हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान मंचूरियन की रेसिपी, और इसे बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक मीडियम साइज़ का बोल, और इसमें मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम के करीब पनीर ग्रेट किया हुआ। तो यहाँ पर मैं पनीर मंचूरियन बना रही हूँ। उसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, इसके साथ ही डाल देंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, ग्रेट की हुई गाजर और हरा धनिया। तो सभी चीज़ें बहुत ही बारीक कट करके इसमें डाल लेंगे। और यहाँ पर आप चाहें तो हरी मिर्च बहुत ही बारीक कट करके डाल सकते हैं, यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। इसके साथ ही लाल मिर्च का पाउडर भी डालेंगे स्वाद के अनुसार, साथ में डाल लेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो 1/4 चम्मच यहाँ पर मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर, तो ये कॉर्नफ्लोर इसमें डाल देते हैं। और साथ में डालेंगे 3 टेबल स्पून ही मैदा। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, साथ में मैदा डाल लेते हैं 3 टेबल स्पून, जिससे कि अच्छी बाइंडिंग आएगी। साथ में स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। मैदा डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ, और मिला देंगे सभी चीज़ों को। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, बिना पानी के ही इसे मिक्स करना है। बिल्कुल आटे की तरह से तैयार कर लेंगे, जैसे कि बाइंडिंग के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर हमारा ये मिक्सचर बाइंडिंग के फॉर्म में आ गया है, और अब इसे हम थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और बहुत ही आसानी से एक बार में ही परफेक्ट बनते हैं। तो सभी मिक्सचर से इसी तरीके के बॉल बना के मैं तैयार कर लेती हूँ। अगर ये मिक्सचर हाथ में चिपकता है तो हम तेल लगाकर इसे इस तरीके से सारे बॉल बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारे बॉल बना लिए हैं, और अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस में। तो मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ, और गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है तेल डालकर, ताकि तेल हमारा गर्म हो जाए। मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है। तो एक एक करके मैं इसमें डाल दे रही हूँ, जितना भी एक बार में कढ़ाई में आ जाए, और अच्छा कलर आने तक फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है इसमें, और सभी मंचूरियन बॉल इसी तरीके से फ्राई करके तैयार करेंगे। सभी बॉल्स फ्राई कर लेने के बाद इसके बाद हम बनाएंगे ग्रेवी। और ग्रेवी बनाने के लिए मैं यहाँ पर कोई भी सब्जी का या और किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रही हूँ। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है नॉर का ये हॉट एंड सॉर सूप, जिससे कि हमारी मंचूरियन की ग्रेवी वैसे ही बनेगी जैसे कि मंचूरियन की ग्रेवी होती है, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा इसमें। तो यहाँ पर मैंने ये 2 पैकेट ले लिए हैं, और इसमें हम पानी डाल लेंगे। और पानी डालकर इसे अभी मैंने गैस पर नहीं चढ़ाया है, ऐसे ही मैं इसे पहले मिक्स करेंगे, ताकि इसमें जो गुठलियाँ हैं वो अच्छे से सारी टूट जाए और मिक्स हो जाए। मैंने यहाँ पर इस सूप को अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। जैसी भी ग्रेवी रखना चाहते हैं वैसे अनुसार इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 कप के करीब पानी डाला है, क्योंकि जब ये पकने लगेगी तो काफ़ी थीक हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसमें 3 से 4 कप के करीब पानी डाल दिया है। और अब इसे मैं गैस पर रखने जा रही हूँ। और गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है, और इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो 4 से 5 मिनट इसे हम लगातार चलाते हुए पका लेंगे, ताकि एक भी गुठलियाँ ना बने और सूप भी कढ़ाई में बिल्कुल भी ना चिपके। तो देखिए जैसे जैसे मैं इसे चला रही हूँ और ज़्यादा टाइम हो रहा है, ये थिक होता जा रहा है, और बिल्कुल कलर भी इसका वैसा ही आ गया जैसे मंचूरियन में होता है। इसे एक दो बार हम बॉयल कर लेंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे अपने सारे फ्राई किए हुए मंचूरियन बॉल। सूप को मैंने 4 से 5 मिनट पका लिया है, उसके बाद एक एक करके सारे मंचूरियन बॉल में इसमें डाल देती हूँ। मंचूरियन बॉल डालने के बाद 3 से 4 मिनट ही पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, और उसके बाद इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म। तीन से चार मिनट पकाने के बाद ये हमारा पनीर मंचूरियन तैयार हो चुका है। तो इसे कर लेते हैं सर्व, और मैं दिखाती हूँ कि इसका कितना
बढ़िया सा अंदर से टेक्सचर है और कितना सॉफ्ट हमारे ये मंचूरियन बॉल बन के तैयार हुए हैं, तो ये देखिए, और उतना ही मज़ेदार ये खाने में है। तो इस तरीके से ये पनीर मंचूरियन ज़रूर ट्राई करें, और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे साथ कमेंट करके शेयर करें कि पनीर मंचूरियन की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।